हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम करेंगे अपनी खेती किसानी। यस, वी विल स्टार्ट नाउ फार्मिंग, मतलब हम खेती किसानी चालू करेंगे, हम फार्मिंग चालू करेंगे। तो बिना किसी दिक्कत के अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो व्यू तो अपना चेंज कर लिया है, अपन क्रिएटिव व्यू में घुस चुके हैं। मतलब ये क्रिएटिव व्यू होता है, वो थर्ड पर्सन फ्रंट व्यू होता है, फिर वो थर्ड पर्सन बैक व्यू होता है। तो आपको सबसे पहले दिखा दूँ जो मैंने अपने घर में फिर से चेंजेस किए हैं। मतलब मैं हर बार छोटे मोटे चेंजेस करता ही रहता हूँ अपने घर में। तो ये देखिए, मैंने मतलब एक पूरा पाथवे बना दिया, क्योंकि घर का थोड़ा हिस्सा हटके रहना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा पाथवे ही बना दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब ये पाथवे साइड में वॉल्स हैं। इसको मतलब कमेंट करके ज़रूर नीचे जाके बताई जाएगा कि मेरे को इतनी हाइट पे रखना चाहिए और ऊंचा उठाना चाहिए। ये आ गई अपनी स्टेयर्स, ये अपना अंदर का गेट, यहाँ से अपन घुस जाते तो यही अपना वो ओ जो अपन ने पहले बनाया था। और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि पिछली बार में कि मैं छत कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ का नज़र देखिए, जो सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ की, सबसे पहली बात। अब मैंने जो बोला था कि मैं छत कंप्लीट कर दूंगा, तो छत तो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब अपन ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो ऊपर अभी अपन कल मैंने उसके बाद ऊपर में आया ही नहीं, उसके बाद मैं सामने सामने ठीक है। फिर ये मैंने अभी ऐसे ही लग रहा था, अभी इस पट्टी बना दूंगा, उससे क्या होगा कि इस पे भी मतलब एक अपनी बॉर्डर टाइप की हो जाएगी और अपन को दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये पीछे से देखूँ क्या कैसा है हाल। पीछे से मेरे को वो एक पट्टी डालनी है पानी वाली, जिससे मैं अगर गिरूँ या फिर जॉम्बी जॉम्बीज घुस ना पाए। तो अपन चलो नीचे चलते हैं। तो गाइज मैं नीचे आ चुका हूँ, और मुझे सबसे पहले खेती किसानी करने के लिए क्या होता है ना, इसमें वो होता है ना, होए मतलब रियलिटी में भी लगता है वो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अपन मिट्टी मिट्टी हटा सकते हैं ऊपर की। तो होए बनाने के लिए मेरे पास आयरन तो था पर स्टिक्स नहीं थी, तो स्टिक्स भी मैंने अपने चेस्ट में से उठा ली हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास, और अब मैं बनाऊँगा होए। तो कितने होए बन रहे हैं मेरे पास, चार बन रहे, पर नहीं भाई मुझे तो अभी एक ही चाहिए, तो अभी एक ही बना लेता हूँ मैं। फ़िलहाल मैंने एक होए बना लिया है, और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो होए मैं अभी पहले रिप्लेस करके शवल की जगह रख लेता हूँ। और अभी सीधा अपन मिट्टी हटाने चलते हैं। शाम तो हो गई है, पर थोड़ा बहुत जितना अपन काम कर पाएंगे उतना काम ज़रूर करेंगे। तो होए लेकर चलता है एक किसान। किसान के पास शील्ड, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन ने होए तो ले लिया है, अब अपन सीधा पहुंच चुके हैं अपने मेन गेट के पास। अपन ने मेन गेट खोला, फिर अब अपन आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उस तरफ से मैंने सोच रखा है कि मैं इस तरफ किसानी करूँगा, खेती किसानी करूँगा, मतलब फार्मिंग करूँगा, फिर उस तरफ क्या करूँगा ये आप लोग को गैस करना है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि वो बहुत ज़रूरी एक प्रोसेस होता है, आप लोग को भी पता है। तो चलिए चलिए, अरे यार शाम हो गई यार, अब मैं कल आके मिट्टी हटाऊंगा। फार्मिंग अपन कल से चालू करेंगे। उससे पहले यार ये कॉरिडोर जो मैंने अभी बनाया है, ये इसमें अंधेरा नहीं लग रहा? अंधेरा ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैं अंधेरा ख़त्म करने के लिए टॉर्चेस लगाऊंगा। तो टॉर्चेस मेरे पास कुछ रखी हुई हैं, मैं पहले वो ले लेता हूँ। अरे यार मेरे पास टॉर्चेस कम है, तो मेरे को टॉर्चेस और बनानी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली मैंने और टॉर्चेस बना ली हैं, और अब मैं आ चुका हूँ बाहर के हिस्से में। और रात हो चुकी है, पर टॉर्चेस लगाना मैंने चालू कर दिया है, जिससे रोशनी बन जाएगी और रात का भी कोई इशू होगा नहीं। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी टॉर्चेस लगा दी हैं यहाँ पर। कितनी सही लग रही है ना, बिल्कुल कॉरिडोर पे मशाले, यहाँ पर तो टॉर्चेस के नाम पे मशाले मिलती ना, तो ग्रेट। चलो अब मैं जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि अब सुबह उठ के अपन को फार्मिंग भी करनी है, फार्मिंग स्टार्ट भी करनी है, शुभ आगमन जिसे कहते हैं अपन। तो सुबह हो चुकी है गाइस। तो सबसे पहले अपन को फार्मिंग करने के लिए जो सीड्स चाहिए वो भी मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैं सीड्स ले चलता हूँ कुछ। तो अभी सीड्स तो मैंने ले ली है, अब मुझे फर्नेस में नहीं, शवल मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि क्या है ना, मुझे मिट्टी भी हटानी पड़ेगी साइड से पानी डालने के लिए। तो सबसे पहले तो अपना आयरन होए का ही काम है, तो अपन होए लेकर चलते हैं। तो सीधे चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुझे आप बताइएगा गाइस कि कॉरिडोर ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं लो हो रहा है, क्योंकि कॉरिडोर है, थोड़ा तो होना चाहिए। फिर आगे जाके इसमें मॉडिफिकेशन भी होंगे ना, अभी आगे जाके अपन और इसमें करेंगे चेंज। आप लोग को सरप्राइज़ मिलेगा आने वाले दो तीन एपिसोड्स में, कुछ एक दो या मेरे ख्याल से तीन चार एपिसोड्स के बाद आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कर लूँ, पूरा खोल लूँ, और साइड में मैं अभी दो दो रिवर टाइप की भी मतलब गड्ढे कर दूंगा, जिससे मैं वो भी कर सकूँ। तो देख सकते हैं फाइनली गाइस कि मैंने ये साइड में दो गड्ढे भी कर दिए हैं रिवर टाइप बनाने के लिए, और ये बीच में पूरा हिस्सा भी मैंने होए से उसकी मिट्टी हटा दी है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पानी है, और मेरे पास दो वाटर बकेट भी हैं। तो मैं दो नो वाटर बकेट अपने बार में रख लेता हूँ, और फटाफट से दोनों वाटर बकेट को भर के वहाँ पर पानी डालो। अब करना तो पड़ेगा ऐसे ही पानी डालना, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वाटर बकेट से पानी डाल लिया है, अब उस तरफ से भी एक डालना पड़ेगा।
चलो चलो इतना तो बन गया, मतलब यहाँ पर एक बीच में और डालना पड़ेगा जिससे फुल लेवल पे मिट्टी पे अपना वाटर बकेट का जो मतलब पानी होगा वो आ जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, मिट्टी को गीला करना पड़ता है, सूखी मिट्टी पे थोड़ा ना हो गया कुछ, तो अपन को इसलिए पानी डालना पड़ता है साइड में। अरे यार एक पानी यहाँ डल गया, एक वाटर बकेट का पानी यहाँ डल गया गलती से, मैं उसको भी उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने उसी के लिए बनाया है वैसे गाइस मेनली, क्योंकि मुझे क्या करना है ना कि मुझे इसमें साइड साइड से पूरा वो डालना है। मैं इसमें जो वो फार्मिंग करूंगा अपनी, जो वो होगी मेन फीड जो अपना निकले यहाँ पर, वो किसी के हाथ में जाना नहीं चाहिए, और जॉम्बी जो अपने घर के अंदर ना आ पाए, इसलिए मैंने चोर से ऐसी पट्टी पट्टी बना दी है। इसमें मैं पानी डाल दूंगा बाद में, तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे सिक्योरिटी हो जाएगी। अब जैसे क्या होता है ना, स्पाइडर जितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो ना, स्पाइडर दीवार से चढ़ के आ जाती है, इसलिए उसके लिए पानी डालना बीच में ज़रूरी है, इससे स्पाइडर भी नहीं आ पाती। तो फटाफट गाइस जैसे मैं देख सकते हैं अभी मेरे पास सीड्स हैं, तो मैं फटाफट से सीड्स लगाना चालू कर देता हूँ। ये फिर यहाँ पर नहीं लग रही अभी, ठीक है इसमें लगाता हूँ, इसमें 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 ऐसे में दोनों पट्टी। अभी तो मतलब अपन गाइस छोटे एरिया में खेती कर रहे हैं, फिर आप आगे तक हो जाएगा तो अपन बड़ा करेंगे, अपने पास एरिया बहुत बड़ा, ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो फिलहाल अपन सीड्स लगाते जा रहे हैं, सीड्स लगती जा रही हैं, मतलब छोटे छोटे सैपलिंग्स टाइप के लग रहे हैं साइड्स पे। वो मेरे को लग रहा वो वाला हल्का सा बढ़ भी गया है, शायद आपने नोटिस किया। हाँ ये वाला साइड, इस साइड वाला। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ यहाँ पर मेरे को वो कोएक से मिट्टी हटा के फिर से लगानी पड़ेगी, मेरे को लग रहा था कि वहाँ से मिट्टी हट गई है। तो गाइस मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है ये अपना। चलो अब मैं वाटर बकेट फिर से रख लेता हूँ इधर पर, और अपन फिर आगे बढ़ते हैं। इधर पानी डालने का सोच रहा था मैं, चलो अपन देखते हैं। पानी अपन ने ले लिया है, ये भी ले लिया अपन ने। अब यहाँ से अपन फिर से वहाँ उस साइड से पानी डालना चालू करते हैं। चलो ये आ गया यहाँ पर पानी, फिर यहाँ से भी अपन ने पानी डाल दिया। ऐसे कर करके ही अपन को बस में पानी डालना पड़ेगा जिससे अपना वो पूरा बन जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ से मैंने फिर से अपनी दो वाटर बकेट भर ली हैं, और यहाँ पर नहीं अब मैं आगे जाके पानी डालूंगा जहाँ से वो कम हो रहा है। ये थोड़ा लंबा और टीडियस प्रोसेस है। एक और वाटर बकेट यहाँ पर, ऐसे कर करके अपने कैसे मतलब क्या मैं बोलूँ, घर के चारों ओर अपन बना लेंगे और वाटर बकेट। अब अपन ये काम बाद में करेंगे, अपन सबसे पहले देखते हैं कि अपन को अभी और क्या करना है। तो गाइज मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, पर हमें अब उस साइड पर क्या करना है। इस साइड पे तो खेती होगी, इस साइड पे तो फार्मिंग होगी, उस साइड पे हमें करना है एनिमल्स को रियर। जैसा आपने बिल्कुल सही सुना, हमें वहाँ पर जानवर पालने हैं, जानवर जानवर पालने हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं अपना ओक फेंस होती है ना जो, तो मेरे पास लकड़ियाँ तो हैं, तो मैं फटाफट जाकर फेंस देखूँ कहाँ है। यहाँ पर नहीं है फेंस, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं दिख रही मुझे, यहाँ पर भी नहीं है। यार दिख जाना, मेरे को फेंस बनानी है, यहाँ पर तो होना चाहिए यार, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर तो मिल जाए कम से कम, दिख ही नहीं रही फेंस कहाँ पर है। छोड़ो यार मैं सर्च ही कर ले रहा, मैं इसमें तो देख ही नहीं पा रहा, मैं ऐसे में तो ऐसे देख ही नहीं पा रहा। रुक जाइएगा इसमें अभी सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये डाल दिया मैंने फेंस, और यहाँ पर अपने पास फेंस के ऑप्शन आ चुके हैं। तो एक बिर्च फेंस का जो गेट होता है वो बना लेता हूँ, फिर 6 जो मेरे पास और अवेलेबल है तो वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बना ली है भाई साहब, हो गई रात। अरे यार रात होने में तुम्हारे यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्या, थोड़ा तो मतलब बंदों को काम करने दिया करो। फेंस तो मैंने अभी अपने बार में ले ली है, रात हो गई है तो मेरे को सोना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन अवेलेबल। तो मैं फटाफट से सो जाता हूँ अभी। तो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है और हम जाएंगे फेंस लगाने में। जैसा आपने बिल्कुल सही सुना, हम फेंस लगाएंगे, फिर उसके अंदर बहुत सारे जानवर रखेंगे। तो फटाफट फटाफट फेंस फेंस फेंस, वो जानवरों को भी लाना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए गाइस मतलब क्या तो खेती उगाइए यार, सही है बिल्कुल। ऐसे ही अपनी फसल उगाएगी, फिर अपन हार्वेस्ट करेंगे, फिर से करेंगे, ऐसे ही अपन फार्मिंग करेंगे अपने यहाँ पर। तो एक फेंस का टुकड़ा मैंने ऐसा लगाया, फिर ऐसे ऐसे कर करके मैं फेंस लगाते जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी विटनेस लगेंगे अपन, एक लंबा टाइप का बनाएंगे और फिर उसको बीच में से दो में एक से डिवाइड कर देंगे। तो उससे अपने क्या हो जाएगा कि अपन उसमें दो तीन टाइप के रख पाएंगे। इसमें मैं क्या करूँगा, बड़ा एरिया है ना अपने पास, तो थोड़ा बड़ा बना दूँगा। अरे यार ये मुझको उधर लगाना था, चलो ठीक है मैं इसको बाद में सही कर लूँगा। तो गाइस देख सकते हैं कि मेरे पास इतनी फेंस थी तो मैंने उतनी लगा दी अभी वहाँ पीछे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।